हाय फ्रेंड्स, टुडे आज मैं आपको बताने वाला हूँ हायर का एक यूनिक टॉपलोड वॉशिंग मशीन है। जो मॉडल है आपका 7 KG का मॉडल है, ये 678 सीरीज का है, ठीक है। और ये NZP टेक्नोलॉजी है, जो जिसमें हम निया जीरो के साथ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसका जो फीचर्स है, कुछ यूनिक फीचर्स है जो हर तरह का कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है। और इसमें और कुछ अलग एक चीज है जो नॉर्मली जनरली टॉपलोड मशीन में नहीं मिलता है, इसमें डोर लॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। जनरली हमारा फ्रंट लोड में डोर लॉक मिलता है, लेकिन इसमें डोर लॉक दिया हुआ है जो सेफ्टी के लिए है, ठीक है। अगर मशीन को मैं ऑन कर देता हूँ तो उस कंडीशन में मेरा डोर लॉक हो जाएगा और डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिकली दूसरा टॉपलोड वॉशिंग मशीन में नॉर्मली मिलता नहीं है, ठीक है। एक यूनिक फीचर्स है। तो चलते हैं, हम आगे बात करते हैं इसका जो फीचर्स है, क्या क्या इसमें फीचर्स है और कस्टमर का क्या जो फीचर्स है, कस्टमर को कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम इसका टोटल जो डेमो फीचर्स है आगे आपको हम डिस्कस करें, ठीक है। आगे देख तो फर्स्ट आगे आते हैं इसका जो प्रोग्राम्स है और जो पैनल्स है, इसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है ये आपका पावर बटन है, ठीक। ये पावर बटन है, उसके बाद ये है स्टार्ट पॉज बटन, उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल 12 प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम नाम है, इसको आप जैसे जैसे घुमाओगे तो प्रोग्राम चेंज होता जाएगा। उसके बाद ये डिले बटन है, उसके बाद ये प्रोसेस बटन है, ये स्पिन टाइम का बटन है, इस पर आप स्पिन टाइम घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये रिंस टाइम बटन है, इस बटन से आप रिंस का टाइमिंग जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सोक टाइम है, मतलब आप जब कपड़ा में ज़्यादा गंदा है तो उसको आप सोक में रख सकते हैं, ताकि उसका अंदर जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल सॉल्स है, वो आसानी से वो निकल जाएगा। ये वाटर लेवल है, अकॉर्डिंग आपका जो कपड़ा का या लॉन्ड्री के हिसाब से आप पानी का जो लेवल है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और ये फंक्शन बटन है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम प्रोग्राम में आते हैं तो इसमें टोटल 12 प्रोग्राम दिया हुआ है। तो फर्स्ट अगर इधर शुरू करें तो फर्स्ट ये है कॉटन, जो कॉटन कपड़ा के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है ये इको, मतलब इकोनॉमिक है। इसमें कस्टमर को अगर पावर कंजम्पशन कम चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम चाहिए, उसके लिए इको बटन है। इसमें कस्टमर को कम कपड़ा देना है और कम सॉयल वाला कपड़ा देना है। उसके बाद आता है एक्सप्रेस 15, जिसमें एकदम बिल्कुल थोड़ा कम कपड़ा देना है, 4-5 कपड़ा दे सकते हैं, जिसमें बिल्कुल ओनली स्वेट का, मतलब स्वेटिंग का हो, ठीक है। रात को पहना हो, सुबह निकाल दिया, तो इस टाइप का कपड़ा वो दे सकते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स टाइप का कपड़ा आता है, नॉर्मल जो पॉलिएस्टर टाइप का जो हमारा ट्रैक सूट वगैरह आता है उसके लिए है। उसके बाद आता है ये वूलन प्रोग्राम के लिए, वूलन प्रोग्राम है जो स्टैंडर्ड वूलन नॉर्मली मेंशन होता है कपड़ा में, ठीक है, कि मशीन वॉश उस टाइप का वूलन कपड़ा के लिए आप इसमें वॉश कर सकते हैं। ये उसके बाद आता है ये हेवी, जो भारी कपड़ा होता है, ठीक है, जैसे बेडशीट वगैरह हो गया, वो उसके लिए है। उसके बाद आता है ये टब क्लीन, अगर आप इनर टब को, ये जो इनर जो टब है और उसका बाद जो आउटर टब है, इनर टब का आउटर साइड और आउटर टब का इनर साइड जो है, ये अगर आपको क्लीन करना है, ठीक है। ये जो टब होता है, इस टब का बाहर साइड में कभी कभी आपका वो जमा हो जाता है, इसका जो डस्ट वगैरह है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपका ये टब क्लीन है, ये 3 घंटे का प्रोग्राम है। उसके बाद आता है बेबी केयर, जो बच्चा का कपड़ा है उसके लिए है। उसके बाद ये टॉवल्स है, टॉवल्स को आप अलग से इसमें धो सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंकेट, ठीक है, सर्दियों का जो ब्लैंकेट होता है उसको आप अलग से धोना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में आप धो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेलिकेट, तो ब्लैंकेट जिसमें आप जो सर्दियों का जो ब्लैंकेट वगैरह है उसको वॉश करने के लिए ब्लैंकेट। उसके बाद डेलिकेट, जो हमारा थोड़ा कॉस्टली कपड़ा होता है, ठीक है, जैसे सिल्क हो गया, उस टाइप का कपड़ा के लिए आप इसमें डेलिकेट में वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एंटीक क्रीज, ठीक है, जिसमें क्रीज नहीं होगा, इसमें आपका रिंस कम होगा। बेसिकली जो हमारा अंडरवेयर होता है जिसमें हम क्रीज चाहते हैं कि क्रीज ना हो, उसके लिए ये फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये डिले फीचर्स, डिले मतलब हम अगर कभी बाद में वॉश करना चाहते हैं तो ये 2 घंटा से शुरू होगा अप टू 24 आवर्स। और ये जो डिले टाइम है, ये मेरा वॉश प्रोग्राम लेके मेरे को कैलकुलेट करना है। अगर मेरे का वॉश प्रोग्राम है 2 घंटा या 1 घंटा मेरा वॉश टाइम है, अगर मैं 2 घंटा बाद देना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 3 3 आवर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से डिले टाइम जो है वो वॉश प्रोग्राम टाइम लेके डिले टाइम कैलकुलेट होता है।
उसके बाद आता है कि आपका प्रोग्रेस बटन, ठीक है, मतलब कौन सा प्रोग्राम आप चला रहे हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ जैसे ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप शोक ऐड कर सकते हैं, शोक को आप हटा सकते हैं। अगर आपको वॉश नहीं चाहिए, ठीक है, खाली वॉश चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। आपको रिंस और वॉश चाहिए, आपको स्पिन नहीं चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। या आपको रिंस और स्पिन चाहिए, आपको वॉश नहीं चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, या खाली स्पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा फीचर्स है, मतलब हम रेगुलर बेसिस पे क्या होता है कि बरसात के टाइम में हम स्पिन ज़्यादा चाहते हैं, या गर्मी के टाइम में हम चाहते हैं कि मेरे को स्पिन ज़रूरत नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप स्पिन को कैंसिल कर सकते हैं। या आपका ड्रायर में अलमारी में ऐसा कपड़ा है जिसको आपको वॉश नहीं करना है, ओनली रिंस और स्पिन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप सब कुछ करना चाहते हैं, सोक वॉश रिंस स्पिन सारा कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। तो सारा जो फीचर्स है इसमें से आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हर कस्टमर का हर तरह का रिक्वायरमेंट को वो फिल करेगा। उसके बाद आ जाएगा स्पिन टाइम, स्पिन का जो टाइम है वो भी आप भरा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगर खाली स्पिन करना है उसके बाद अगर स्पिन का जो टाइम है वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या बिल्कुल नहीं भी कर सकते, मतलब जीरो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिंस, कभी कभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि एक सही जगह ज़्यादा रिंस कर ले, ठीक है, दो एक मतलब कपड़ा का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कभी डिटर्जेंट ज़्यादा चला गया तो रिंस ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिंस को एक दो तीन या चार रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसका जो वॉश टोटल जो प्रोग्राम टाइम है वो उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं यहाँ पे सोक टाइम, ठीक है। सोक टाइम जो है वो भी कस्टमर यहाँ से 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का एंड 40 मिनट का सोक टाइम कस्टमर दे सकते हैं। लेकिन सोक टाइम जो है ये तीन प्रोग्राम में काम नहीं करेगा। जैसे एक्सप्रेस है इसमें आपका ये सोक सिलेक्ट नहीं होगा। दूसरा है कि आपका जो टब ड्राई है, ठीक है, जो टब ड्राई है इसमें भी आपका सोक काम नहीं करेगा, ठीक है। और उसके साथ जो उलन प्रोग्राम है, ठीक है, उलन प्रोग्राम में भी आपका शोक काम नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेस जो है, क्विक वॉश जो है, उल जो प्रोग्राम है, और जो टप तीन है, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस, उल एंड टप तीन, ये तीनों प्रोग्राम में आपका ये शोक आपका काम नहीं करेगा, बाकी प्रोग्राम में आपका शोक काम करेगा। उसके बाद आता है यहाँ से वाटर लेवल, ठीक है। तो वाटर लेवल कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में क्या है, एक तो होता है कि आपका रिजर्व वाटर। रिजर्व वाटर में क्या होगा, आफ्टर रिंस, आफ्टर लास्ट रिंस जो है उसके बाद पानी आपका ड्रेन नहीं होगा, और हर 15 मिनट बाद आपको अलार्म देता रहेगा, ताकि मतलब आप चाहते हो कि मतलब रिंस आफ्टर रिंस मतलब आप चाहते हो कि स्पिन ना हो, ठीक है। हो सकता है आप मार्केट में निकल गए, आप चाहते हो कि आप मार्केट से आने के बाद ही आपको रिंस करें, नहीं तो क्या होता है कि कपड़ा अपना मशीन जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर देता है उसके बाद उसमें करोज आ जाता है, ठीक है। तो आप मार्केट में गए इस मशीन को चला के, और मार्केट से जब आए दो तीन घंटे बाद उसके बाद आके इसको आप स्पिन में डाल दिए, ठीक है। तो रिजर्व वाटर में क्या होगा, मशीन अप टू 4 आवर्स पानी को होल्ड करके रखेगा, ठीक है, रिंस का जो वाटर है। उसके बाद भी अगर हम इसको स्टार्ट बटन को नहीं दबाए तो ये ऑटोमेटिक ड्रेन आउट करके नेक्स्ट प्रोग्राम में चला जाएगा, या इन बिटवीन 4 घंटे से पहले हम आ गए तो हम अगर स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मशीन पानी को ड्रेन करके नेक्स्ट उसका स्पिन में चला जाएगा। उसके बाद आता है कि एयर ड्राई। एयर ड्राई मतलब इसमें बेसिकली जो हमारा केमिकल फैब्रिक होता है उस टाइप का कपड़ों को ड्राई करने के लिए, और इसमें हमको कपड़ा का जो क्वांटिटी है वो भी बहुत कम देना पड़ेगा, 1.5 kg, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कि टब ड्राई, जो इनर जो टब है इसको ड्राई करने के लिए, ताकि इसके अंदर कोई फंगस या बैक्टीरिया जनरेशन ना हो, उसके लिए है टब ड्राई प्रोग्राम, और ये 52 आवर्स का है, और इसमें क्या होगा, मशीन खाली स्पिन करेगा। इसी कारण डायरेक्ट ऑन करते हैं तो मशीन क्या करेगा, 52 आवर्स तक खाली आपका स्पिन करेगा टब को ड्राई करने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई पानी आपका स्टोर ना हो आपका टब में, क्योंकि जब पानी स्टोर होता है तब बैक्टीरिया जनरेशन का चांसेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद आता है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक करने के लिए हमको क्या करेंगे, फर्स्ट मशीन को प्रोग्राम को ऑन करना, कोई भी प्रोग्राम जो मेरे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद मशीन को स्टार्ट करना है, उसके बाद चाइल्ड लॉक के लिए मेरे को प्रोसेस और डिले बटन को प्रेस करना है, तो यहाँ पे CL लिखा आ जाएगा और उस टाइम मेरा कोई बटन फंक्शनल बटन काम नहीं करेगा। लेकिन कस्टमर को ये एडुकेट करना है कि मशीन प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही फिर चाइल्ड लॉक को हटा देना है, नहीं तो क्या होगा, अगला टाइम कस्टमर दोबारा जब मशीन को ऑन करेगा उस टाइम भी कोई प्रोग्राम काम नहीं करेगा, कोई बटन काम नहीं करेगा, तो कस्टमर को दोबारा आपको फिर यहाँ से चाइल्ड लॉक हटाने के बाद ही वो करना है, ठीक है, प्रोग्राम सेट होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो कस्टमर सोच सकते हैं कि मेरा मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या टच में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी मैं दोनों को अगर पेश करता हूँ साथ में तो यहाँ पे CL लिखा आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये कोई बटन काम नहीं करेगा, मशीन अगर मैं पॉज भी करता हूँ तो भी ये पॉज नहीं होगा, तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले दोबारा मेरे को इसको हटा देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को चाइल्ड लॉक करना है या चाइल्ड लॉक को हटाना है। इसमें ये जो 12 है, 12 मेरा यूनिक प्रोग्राम है, ठीक है, उसके साथ ये जो है मेरा सारा एडिशनल फीचर्स है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि ये फजी लॉजिक में चलता है, कोई भी एक अगर प्रोग्राम मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं उसको ऑन कर देता हूँ, कोई भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट करके जस्ट मेरे को स्टार्ट पॉज बटन को प्रेस कर देना, उस हिसाब से अपना बेस्ट फीचर्स, बेस्ट जो सिलेक्टेड प्रोग्राम है उस हिसाब से वो कर लेगा, अपना पानी वगैरह सारा कुछ वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा भी चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इस हिसाब से सारा जो फीचर्स है इसमें जो 12 प्रोग्राम्स दिया हुआ है सारा, उसके साथ साथ हर प्रोग्राम के, तो हर प्रोग्राम के साथ उसका यूनिक वाटर लेवल, रिंस टाइम, स्पिन टाइम सारा यूनिक अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट मशीन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर कस्टमर कुछ एडिशनल फीचर्स चाहते हैं तो उस कंडीशन में कस्टमर इस बटन को, इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं है। मतलब घर में कोई अगर एजेड पर्सन हो वो भी आसानी से इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, या हर कस्टमर अपना जरूरत के हिसाब से फिर अलग से उसका एडिशनल फीचर्स देके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक फीचर्स है इस मॉडल का, क्योंकि इसमें इतना यूनिक और सेपरेट फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है, जो हर कस्टमर का कोई भी ज़रूरत को ये आपका फुलफिल करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।